दृष्टि पलटनो कठिन है जो कहूं बदली जाए। श्री गुरु प्रताप पद पाई बल भज नहीं हाथ बिकाए। जब तक मन बुद्धि स्थूल धरातल पर हैं, जब तक इस हार्ड चाम के शरीर को ही हम अपना निज स्वरूप समझते हैं, मानते हैं, तब तक इन आंखों से स्थूल का ही दर्शन होता है और इस मन से स्थूल का ही अनुभव होता है। और यहां श्री नागरीदास जी कह रहे हैं दृष्टि पलटनो कठिन है। दृष्टि पलटना अर्थात जब संसार का दर्शन न होकर संसार को बनाने वाले रचाने वाले का अनुभव हो। हम कई बार चर्चा करते हैं कि संत भी देखो इसी संसार में ही रहता है। संत के रहने के लिए कोई न्यारा संसार तो भगवान बनाते नहीं, वो भी इसी संसार में रहता है। पर उसके रहने और हमारे रहने में भेद क्या है? हम कभी सुखी रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं। संत न सुखी रहता है न दुखी रहता है, संत आनंद में रहता है। आप ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा संत सदा सुखी रहता है। सदा सुख जैसी कोई स्थिति नहीं है, जहां सुख है वहां दुख होगा ही होगा। जैसे एक सिक्के के दो पक्ष होते हैं ना, दो पहलू, पर एक समय में दिखाई एक ही पड़ता है। जितना यह सत्य है कि एक समय में सिक्के के एक ही पक्ष का दर्शन होता है, उतना ही सत्य यह भी है कि उसी के ठीक पीछे दूसरा पक्ष भी खड़ा है। इसलिए कई बार आपको निवेदन किया जाता है कि भाई दुख से छूटने का प्रयास तो हमने सदा किया, पर क्या कभी सुख से भी छूटने का प्रयास किया? क्योंकि बांधा तो हमें सुख ने भी है, दुख ने भी बांधा है, सुख ने भी बांधा है। लेकिन दुख से छूटने का, दुख से बचने का, दुख से भागने का प्रयास हम सदा से करते आए, पर कभी सफल नहीं हुए। क्योंकि बांधा तो हमें सुख ने भी है और सुख से छूटने की हमने कभी चेष्टा नहीं की। और जो बांधे वो एक प्रकार से है तो भाई दुखी। और मैं तो आपको सदा ही कहता हूं संसार का दुख तो दुख है ही, पर संसार का सुख भी दुख ही है। ज्ञान की दृष्टि से देखने पर, सत्य की दृष्टि से देखने पर खबर पड़ती है कि भाई ये दुख भी दुख है, सुख भी दुख है। इसीलिए तो कहा दुखालयम अशाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार, दुखी है यहां पर, सुख नहीं है। तो संत न सुखी रहता है न दुखी रहता है, संत आनंद में रहता है। और किसी संत से पूछो ना कि भाई ये आनंद कहां है, आप इस संसार में रहते हुए इस प्रकार आनंद में कैसे रहते हैं, ये आनंद है कहां, किस प्रकार मिलता है, तो लगभग लगभग सभी संतों की वाणी में एक ही उत्तर मिलता है। कि गुरु की कृपा से अपने ज्ञान चक्षु खोल कर प्रभु के अतिरिक्त किसी को न देखना, प्रभु के अतिरिक्त किसी को न जानना, इसी स्थिति में आनंद है। कहीं प्रभु से दृष्टि हटकर कहीं और जाएगी तो फिर भ्रम है। महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि केशव मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। श्री कृष्ण ले आए। जब तक अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहे थे, श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे हैं, जब तक अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहे थे तब तक बिल्कुल स्वस्थ थे, ओज और तेज से भरे थे, गांडीवधारी। लेकिन जैसे ही श्री ठाकुर जी ने कहा अर्जुन एक बार सामने खड़ी सेना पर दृष्टि डाल, ठाकुर जी की बात मानकर अर्जुन ने जैसे ही उस सेना पर दृष्टि डाली, सेना पर दृष्टि डाली अर्थात ठाकुर जी से दृष्टि हटी, जैसे ही श्री कृष्ण से दृष्टि हटी और अर्जुन ने सामने खड़ी सेना पर दृष्टि डाली, क्या हुआ?
अर्जुन का चित्त मोहग्रस्त हो गया, मोहग्रस्त हो गया। ये भी भूल गए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं तो कई बार विचार करता हूँ कि अर्जुन कुछ उस स्थिति से अनजान थोड़ी थे, वो जानते ही तो थे कि भाई किस किस से लड़ना होगा मुझे, सामने सेना में कौन कौन होगा। अर्जुन ये बात पहले से जानते ही थे, पर चले तो बड़े उत्साह में भरकर थे। लेकिन जैसे ही युद्ध के मैदान में आए, वो चित्त की स्थिति बदल गई। क्यों बदली? श्री कृष्ण से दृष्टि हटी और कौरव सेना पर दृष्टि पड़ी। तो संत इस प्रकार से आपको मुझे समझाने का प्रयास करते हैं, भाई जब तक प्रभु पर दृष्टि रहे तब तक तो खूब आनंद है, तब तक तो आनंद ही आनंद है। प्रभु पर दृष्टि हो तो फिर आनंद ही आनंद है। जिसकी प्रभु पर दृष्टि है वो तो कहता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जिसकी फूल पर दृष्टि होगी वो कांटे से घबराएगा, जो केवल फूल चाहेगा वो कांटे से घबराएगा। लेकिन जिसकी दृष्टि फूल पर ना होकर उस फूल के रचनाकार पर होगी, वो कहेगा तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। और आप थोड़ा इस बात का अनुभव करें, अपने स्वयं के जीवन में करें, कि आजीवन इसी सुख और दुख के झूले में ही तो हम झूलते रहते हैं। और मैं ये सोचता हूं कि भाई झूले में झूलना अच्छा लगता है, पर थोड़ी देर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं। झूला झूलना अच्छा लगता है पर थोड़ी देर के लिए। पर आपको और मुझे तो जन्म जन्म से ये झूला मिला है झूलने के लिए, कभी सुख कभी दुख, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खोना कभी पाना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सतत भगवत दर्शन हो कैसे, सतत प्रभु की अनुभूति हो कैसे। जिसे आनंद कहा जाता है वो आनंद कहां मिले, कैसे मिले? तो इस विषय में भी संत एक ही समाधान देते हैं कि भाई जिसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, या सरल शब्दों में मैं आपको कहूं जो जाग गया है, वो अपनी आवाज से आपको भी जगा देगा। इसलिए श्री नागरीदास जी ने कहा, ऐसे तो ये भाई बहुत कठिन है, दृष्टि पलटनो कठिन है, कि स्थूल का दर्शन ना होकर सतत उसी सूक्ष्म का, उसी नित्य का, उसी सत्य का, उसी तत्व का दर्शन हो, उसी की अनुभूति हो। कह रहे भाई ये बड़ा कठिन है, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है कहते रहते हैं आप और मैं, लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आप और मैं सब जानते हैं ना कि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर राग द्वेष क्यों है, फिर ईर्ष्या क्यों है, फिर मदमात्सर्य क्यों है, फिर अपना पराया क्यों है। तो आप और मैं कहते तो हैं, पर आपको मुझे इसका कोई बोध नहीं है। और ये बोध होना है भी बड़ा कठिन। संत कह रहे हैं दृष्टि पलटनो कठिन है, जो कहूं बदली जाए। कोई बिरला होता है कृपा पात्र, कोई बिरला होता है समर्थ गुरु का कृपा पात्र। गुरु अपनी कृपा से जब दृष्टि प्रदान करता है, अगली ही पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं भाई ये बहुत कठिन है। कोई बिरला सौभाग्यशाली जन ही होता है जो इस स्थिति को प्राप्त करता है, और अगर कोई प्राप्त करता भी है तो अपने बल पर प्राप्त नहीं करता है, अपने साधन से प्राप्त नहीं करता है, अपनी सामर्थ्य से प्राप्त नहीं करता है। श्री गुरु प्रताप पद पाई बल भजन ही हाथ बिकाए। गुरु प्रताप पद पाए बल, गुरु के प्रताप से। मैं तो सदा ही आपको निवेदन करता आया हूं कि भाई इस मार्ग पर अगर कुछ प्राप्त होता है तो वो केवल संत और गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, आशीर्वाद से मिलता है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। भाई थोड़ी भगवान की कृपा, पर मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। बार 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 अनेक बार, और मैं कहूंगा प्रत्येक बार, सब संत आपसे मुझसे यही बात कह रहे हैं। और एक और बात आपको कहूं, आपके मेरे आचार्य का तो सिद्धांत ही यही है। कल हम आज्ञा की बात कर रहे थे, इसी भाव पर हमने कल वाणी को विराम दिया था कि आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा। सेवा किसे कहते हैं? कह रहे आज्ञा पालन के समान दूसरी कोई सेवा नहीं है। अब ऐसा भी देखने में आता है खिला रहे हैं पिला रहे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हैं।
आज्ञा समनस साहिब सेवा। आज्ञा का पालन ही श्रेष्ठ सेवा है, यही सबसे बड़ी सेवा है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? मैंने इसलिए पूछा कि आज जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आप ध्यान से सावधान होकर सुन नहीं रहे हैं, इसलिए पूछा मैंने आपसे। क्या कह रहा था मैं? ये खटखट मैंने इसलिए किया, सावधान होकर बैठिए, क्योंकि जो बात हम यहां पर कह रहे हैं सुन रहे हैं कोई कथा कहानी नहीं है, तो भजन का सिद्धांत है। और आपकी सावधानी मुझे भी सावधान रखेगी। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, श्रोता की बड़ी गंभीर भूमिका होती है, आपकी सावधानी ही मुझे भी सावधान रखेगी। तो कह रहे थोड़ी भगवान की कृपा, पर मुख्य तस्तु महत कृपयाई। वर में ये कह रहा था सब संत एक ही बात कह रहे हैं, और हमारे आचार्य का तो सिद्धांत ही है। मैं आपसे ये कह रहा था, याद आ गया? हमारे आचार्य का तो सिद्धांत यही है। और सेवक जी महाराज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कहते हैं श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, और फिर कहते हैं ते न वचन मानत गुरु द्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने तरीके से ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं। कुछ लोग मैंने देखा सेवा में भी मनमानी करते हैं, न समय का विचार है, न ऋतु का विचार है, न काल का विचार है, मनमानी सेवा कर रहे हैं, भाव के नाम पर कुछ भी करते हैं। ऐसा तो कई बार चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया कि मनमाना आचरण करने से उधम होता है, उत्पात होता है, मन ठिकाने नहीं पहुंचता। तो हमारे आचार्य की तो आज्ञा ही यही है, और आज्ञा के पालन करने जैसी दूसरी कोई सेवा नहीं है। हमारे आचार्य ने एक ही आज्ञा दी है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्यामा श्याम का भजन करते हैं हमें उनका भजन करना है। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हुए। तो कुछ भी करो, आप अष्टयाम सेवा भी कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन भाई हमारे आचार्य की मूल आज्ञा ये है, आचार्य की वास्तविक आज्ञा ये है। और श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं ते न वचन मानत गुरुद्रोही, जो आचार्य की इस आज्ञा का पालन नहीं करता है बोले गुरुद्रोही है। ते न वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। मैं एक बार शायद श्री नाथ द्वारा में ही कथा कह रहा था, तो मुझसे किसी ने लिखकर भेजा कि आप तो राधा वल्लभीय हैं, आप कभी कभी रामचरितमानस की भी बात करते हैं, हमें तो विशुद्ध रस की बात बताइए, विशुद्ध रस की बात बताइए। मैंने उनके शब्दों में, उनके वाक्यों में कुछ रुक्षता थी, वो किसी और भाव से मुझे ये बात कह रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो सब संतों का यश गाता हूं और अंत तक गाऊंगा, क्यों? ये मेरा मनमाना भाव नहीं है, ये मेरे आचार्य की आज्ञा है। हित हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, ये हमारे आचार्य की आज्ञा है। आज भी किसी ने पूछा कि व्यास जी एक स्थान पर लिखते हैं संत सभी गुरुदेव है व्यास ही है प्रतीत, और दूसरे स्थान पर लिखते हैं और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम, ये विरोधाभास समझ में नहीं आया। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जहां व्यास जी ने कहा संत सभी गुरुदेव है, वहां व्यास जी ये कह रहे हैं कि भाई सब संतों में एक ही गुरु तत्व कार्य कर रहा है, इसीलिए संतों में भेद बुद्धि करके किसी को छोटा या बड़ा समझने जैसी अवज्ञा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और जब व्यास जी कहते हैं और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम, तो इसको समझने में भी कोई कठिनाई नहीं है। एक स्थान तक मान लीजिए चार रास्ते जाते हैं,
एक स्थान तक चार मार्ग जाते हैं, पर भाई आपकी और मेरी सामर्थ्य तो चारों पर एक साथ चलने की नहीं है ना। आपको और मुझे तो किस उस स्थान पर पहुंचने के लिए कोई एक मार्ग चुनना पड़ेगा ना। सब संतों ने प्रभु तक पहुंचने का ही मार्ग बताया है, पर ये तो जीव की अल्प सामर्थ्य है। संप्रदाय की रचना भी केवल इसीलिए है, संप्रदाय लड़ने झगड़ने के लिए नहीं होता है। संप्रदाय मैं बड़ा हूं और कोई और छोटा है इसलिए भी नहीं है। जीव की सामर्थ्य अल्प है। अरे आंख दो है तो भी दृष्टि तो हमारी एक है ना। हमारी सामर्थ्य अल्प है, इसीलिए हमारे लिए अच्छा ये है कि कोई एक मार्ग पकड़कर और उस पर पूर्ण निष्ठा से चले, तभी हमारी भजन भाव में उन्नति भी संभव है और तभी हम कहीं अपने लक्ष्य गंतव्य के निकट भी पहुंच सकते हैं। तो इन बातों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। संत सभी गुरुदेव है, इसमें तो कोई अन्यथा भाव लाना ही नहीं चाहिए। अभी पिछले ही सत्र में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, गुरु क्या होता है? हाथ पैर गुरु होते हैं, आंख नाक कान गुरु होता है, क्या देह गुरु होता है? देह गुरु नहीं होता है भाई। यही बात कबीर जी चेता कर कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। वो अंधे हैं जो गुरु को मनुष्य जानते हैं। और ये हमारे गुरु और तुम्हारे गुरु, ये वही लोग करते हैं जिनकी गुरु में मनुष्य बुद्धि है। शास्त्र कहता है गुरु को मनुष्य समझना, तुलसी को वृक्ष समझना, भगवान के चरणामृत को जल समझना, भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि करना, ये तो ऐसे पातक हैं जो भगवान का नाम जपने से भी नहीं छूटते। ये महापातक है, भगवत अपराध है। और यही अर्थ है गुरु में मनुष्य बुद्धि करने का, जब आप गुरु को शरीर समझते हैं। सब संतों में एक ही गुरु तत्व कार्य करता है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। जो भी भक्ति मार्ग का आचरण कर रहा है वो आचार्य ही तो है। आचरण करो थी, जो भी भक्ति मार्ग का आचरण कर रहा है वो आचार्य है। जैसे गोपी प्रेम मार्ग की आचार्य है, गोपी आचार्य है। तो संत सभी गुरुदेव है भाई। हमारे मन में किसी की भी संत के प्रति कुछ अवज्ञा अवहेलना का भाव न आए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आप ध्यान रखना, आप मान लीजिए अपने मार्ग पर तो बड़ी निष्ठा से चल रहे हैं, आप अपने मार्ग पर तो बड़ी निष्ठा से चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप किसी अन्य के प्रति यदि अवज्ञा का भाव रखते तो आपकी भजन में उन्नति नहीं होगी। अवन्नति तो हो जाएगी, पीछे तो चले जाएंगे आप, लेकिन आपकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए सावधान होकर इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, सबको प्रणाम करते हुए, सबका आदर करते हुए। अरे गोस्वामी जी ने तो रामचरित मानस का आरंभ करते हुए खल और दुष्ट की भी वंदना की है। फिर संत तो भाई संत है। और फिर व्यास जी के लिए तो कहा जाता है भक्त इष्ट अति व्यास के। तो व्यास जी कहते हैं ना, और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। ये तो व्यास जी की अनन्य भावना है। आदर सबका है, सम्मान सबका है, पर प्रेम सबसे नहीं हो सकता। आदर सम्मान तो सबका हो सकता है और सबका होना चाहिए। तो मैं तो आपको यह निवेदन कर रहा था कि भाई हमारे महाप्रभु जी की आज्ञा है और आज्ञा का पालन ही सेवा है, और इसी से जीव कृपा का पात्र बनता है। तो यहां नागरी दास जी ने कहा, वैसे तो यह कठिन है, यह स्थिति प्राप्त होनी बहुत कठिन है, पर गुरु की कृपा से कुछ असंभव नहीं। गोस्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं रामचरितमानस के आरंभ में, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही तेजन सकल विभव बस करही। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही तेजन सकल विभव बस करही। जो अपने गुरु के विचार, गुरु के सिद्धांत, गुरु के चरणों में अनन्य निष्ठ हो जाता है, बोले वो सकल विभव को अपने बस में करने की सामर्थ्य रखता है। और मैं तो कल भी आपको कह रहा था, आज फिर कह देता हूं भाई, इस मार्ग पर चमत्कार करने वाला कोई है तो बस एक गुरु ही है, जो बिगड़े मन को, भटके मन को, मैले मन को ठीक ठाक करके, ठोक पीट के, सुघड़ बना के, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, और श्री जी के चरणों में निवेदन करने योग्य बना देता है। गुरु बिन घोर अंधार। तभी संत कहते हैं एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। जब जब वाहे गुरु कहा जाता है ना,
तो असल में वो शब्द वाहे गुरु नहीं है, वो शब्द है वाह गुरु। शब्द है ना वाह गुरु। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को अनुभूति हुई ना, और वो लबालब भर गए उस आनंद से, उनका रोम रोम उस आनंद में भरा था, और वो स्थिति बड़ी विचित्र विलक्षण होती है, मुझे ऐसा लगता है होती होगी, बड़ा विलक्षण आनंद, कहा भी नहीं जा रहा और मौन भी नहीं रहा जा रहा, रोम रोम आनंद में भरा है, रोम रोम मानो नृत्य कर रहा है। और जब उस आनंद की अनुभूति हुई, जब उस आनंद का दर्शन हुआ, तो नानक साहब के मुख से सहसा निकलता है वह गुरु वह गुरु। अर्थात ये जो सब है ये किसकी महिमा है? गुरु की महिमा है। तब गाया जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। आंख से, केवल आंख से वस्तु नहीं दिखती भाई, दृष्टि भी हो। तो जीव जो है ना, ये आंख है और गुरु दृष्टि है। कभी कभी आंख तो होती है पर दृष्टि नहीं होती, वो ध्यान से समझना, आंख होती है पर दृष्टि नहीं होती, देखना नहीं आता, क्या देखना है, कैसे देखना है, ये देखना नहीं आता। तो जीव जो है ना, वो तो आंख है और गुरु दृष्टि है, गुरु से देखा जाता है। इसीलिए कहा एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। इसलिए मेरे सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरण की, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्रीवल्लभ चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ दिन चरणन केरो। और फिर सूरदास जी एक प्रकार से सिद्धांत का सूत्रपात करते हैं, साधन और नहिया कली में, साधन और नहिया कली में, जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। नहीं, इसके बिना निस्तार नहीं है भाई, इसके बिना इस भव से, इस रोग से छुटकारा नहीं है। कल यहीं से हमने चर्चा में प्रवेश किया ना, कि जैसे तन रोगी हो फिर कैसी प्रसन्नता, तन रोगी हो तो भी प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो सकती, और जिसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है वो मन यदि रोगी है फिर कहां प्रसन्न हो सकता है, मन फिर कहां उस प्रसन्नता का अनुभव हो। तो जो संत है, जो गुरु है, वो मन के रोग का वैद्य है, वो उसके पास में औषधि है, वो धीरे धीरे स्वस्थ कर देगा। अब भाई चिकित्सक के पास जाने वाला प्रत्येक रोगी कोई एक ही बार में थोड़ी स्वस्थ हो जाता है, कभी कभी एक बार में भी हो जाता है, कभी कभी अनेक बार भी जाना पड़ता है। और एक और बात आपको कहूं, कभी कभी तो ऐसा रोग भी हो जाता है कि डॉक्टर कहता है भाई ये गोली तो आपको जीवन भर खानी पड़ेगी, होता है ना ऐसा। कभी कभी कोई ऐसा रोग हो जाता है डॉक्टर कहता है भाई ये एक गोली तो अब आपको जीवन भर खानी है, इसे तो खाते रहिए, यदि स्वस्थ रहना है तो फिर खाते रहिए। ऐसे ही कल यही मैं आपको विराम के क्षणों में कह रहा था, भाई यहां पर बैठोगे, यहां गोता लगाओगे, मन निर्मल हो जाएगा, फिर व्यवहार में जाओगे फिर मन मैला हो जाएगा, तो ये तो भाई गोता लगाते रहिए। इसमें बरस महीने का विचार नहीं करना है, हरि का नाम जपो मेरे भैया। तो यहां श्री नागरीदास जी भी यही बात कह रहे हैं, भाई ये स्थिति
स्थिति का अनुभव अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, गुरु की कृपा से सुलभ हो जाता है। कितना भी कहा जाए गुरु के लिए कम है भाई, कितना कहा जाए, और फिर मैं कहता हूं क्या कहा जाए। गुरु के प्रति कृतज्ञ होने के लिए हमारे पास में है क्या, क्या निवेदन किया जा सकता है, गुरु का उपकार किस प्रकार चुकाया जा सकता है, किसी भी प्रकार में। इसीलिए संतों ने बहुत विचार करके कहा भाई गुरु का ऋणी बने रहने में गौरव है। जब आप किसी के ऋणी होना स्वीकार कर लेते हैं ना, तो माथा झुक जाता है ना, आप कृतज्ञ हो जाते हैं। जब आप किसी का उपकार ना चुका सकें, फिर आप क्या कहते हैं कि भाई बस आपको धन्यवाद कर सकते हैं, आपको प्रणाम कर सकते हैं, आपको धन्यवाद कर सकते हैं। ध्यान रखना भाई, सर्वस्व देकर भी, सर्वस्व न्यौछावर करके भी गुरु का उपकार नहीं चुकाया जा सकता। भगवान का उपकार तो आप चुका सकते हैं, भगवान ने ये नरदेह दिए भजन करिए, नरदेही पाई चित चरण कमल दीजे, प्रभु का उपकार चुकाया जा सकता है, पर गुरु का उपकार नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। इससे अधिक और क्या कह सकते हैं संत, कि सहजोबाई कहती हैं, राम तजू पै गुरु ना बिसार। राम तजू, कोई ऐसी स्थिति आए तो हम छोड़ सकते हैं, राम तजू पै गुरु ना बिसारो, गुरु के संग हरि को ना निहार। किसी ने पूछा भाई बहुत बड़ी बात आपने कह दी, क्यों? तो सहजो भाई कहती, मैंने विचार के कहा, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। देखो प्रभु ने संसार रचाया, संत की दृष्टि है, वो कहती है प्रभु ने संसार रचाया और गुरु ने संसार से बचाया। हरि ने पांच चोर दिए साथा, हरि ने पांच चोर दिए साथा, गुरु ने दही बचाए अना, पूरण अविनाशी, राम तजो पै गुरु न विसार। और श्री सेवक वाणी में एक वाक्य ऐसा मिलता है जो आपको समग्र भक्ति साहित्य में ढूंढने पर नहीं मिलेगा, जहां सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि सो वंश बिना कभू नहीं ले। श्री नागरी दास जी तो एक स्थान पर कहते हैं, जहां हरिवंश बिमल जस नाही, विद्यमान होए मोहन प्यारे तो मेरे चित्त ना खटाई। हमको अगर ठाकुर का दर्शन भी करना है ना, तो अपने गुरु की ओट से करना है। उसी ने दिखाया है भाई, उसी ने बताया है, वो तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वस्तु तो नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, और जीव भी वैसा ही है, नित्य सत्य। प्रभु तो कल भी हमारे हृदय मंदिर में ही थे, पर किसी ने आकर बताया। मैंने कहा ना, भगवान ने संसार रचाया और गुरु ने संसार से बचाया। हरि ने पांच चोर दिए साथा, जीव जन्म लेता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पंच विकारों के साथ।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच भय जीव के साथ लगे, ये पंच क्लेश जीव के साथ लगे। गुरु ने लई बचाए अनाथा। इसलिए भाई गुरु के सन्मुख तो बस अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ। मैं तो आपको यही कहकर आगे बढ़ूं कि प्रभु की कृपा से ये दुर्लभ नर देह मिला, और असीम कृपा से यदि संत सदगुरु मिल गया है, फिर कोई और विचार न करिए। सकल सयानप छाड़ भज दुर्लभ है यह वार। अपने अपने आप को ही न्योछावर किया जाता है गुरु पर। संसार की किसी वस्तु से गुरु की सेवा नहीं हो सकती भाई। मैं सरल करके आपको निवेदन कर दूं, सारी बात का, सारी चर्चा का सार, कि संसार की किसी वस्तु से गुरु की सेवा नहीं हो सकती। और यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप संसार की किसी वस्तु से गुरु की सेवा करेंगे, तो आपने न तो गुरु को समझा, आप न तो गुरु के स्वरूप को समझ पाए। स्वरूप को नहीं समझा, इसीलिए सेवा का भाव भी समझ में नहीं आया। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, यदि आपको सेवा करनी है तो पहले अपने इष्ट के स्वरूप और स्वभाव को समझना होगा, तभी तो आप सेवा करेंगे। अब हमारे लाडली लाल नित्य किशोर हैं, अब आप इनके लिए चांदी का झुंझुना ले आइए। आप कहेंगे हम तो बड़े प्रेम से लाए। ठीक है, आप प्रेम से लाए, अच्छी बात है, पर ये श्री ठाकुर जी के स्वरूप के अनुरूप भेंट नहीं है। इष्ट की सेवा करने के लिए पहले उसके स्वरूप का, उसके स्वभाव का ज्ञान हो। तो जब आप समझते हैं ना कि गुरु की सेवा इस वस्तु से कर ले, इस वस्तु से कर ले, तब गुरु के स्वरूप को समझा ही नहीं। संसार की वस्तु से गुरु की सेवा नहीं होती। अपने आप को न्योछावर करके गुरु की सेवा की जाती है, स्वयं को न्योछावर करके। कई बार मैं आपसे कहता हूं भाई, गुरु ने जो दिया है उसका प्राण है, और प्राणों का मोल, प्राणों की न्योछावर तो प्राण ही होते हैं, उससे कम कुछ नहीं। कहते हैं जब उन संत ने श्री मीराबाई सा के हाथ में गिरधर गोपाल का विग्रह पधराया, उन संत की भी हृदय की क्या दशा रही होगी, कितने भाव से लाड़ लड़ाते आए उनको, और आज एकाएक गिरधर गोपाल ने आज्ञा दे दी कि आपकी सेवा पूर्ण हुई, अब आप मुझे मीरा के हाथ में दे दीजिए। और कहते हैं वो नन्ही सी मीरा नेत्रों में जल भरकर उन संत की ओर देखते हुए, कांपते हुए होठों से संत से कहती हैं कि इनके बदले मैं आपको क्या भेंट करूं, इनके बदले मैं आपको क्या न्यौछावर करूं। और कांपते हुए संत के हाथ और नेत्रों से अजस्र बहती वो अश्रु धारा, बोला नहीं जा रहा है, गदगद कंठ है। और संत कहते हैं बेटी, प्राणों का मूल तो प्राणों से ही चुकाया जाता है। ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मेरे प्राण हैं, बस अपने प्राणों के समान इन्हें रखना। वो मेड़ता की राजकुमारी हैं, कुछ भी दे सकती थी वो बदले में। मैं बहुत बार इस प्रसंग का चिंतन करता हूं कि जिन जिन संत ने भगवान दिए, पूछा मीरा ने मैं आपको क्या भेंट करूं, और वो मेड़ता की राजकुमारी, वो अनेक अनेक ग्राम भूमि स्वर्ण संपत्ति क्या था जो मीरा नहीं दे सकती थी, और वो संत लेना चाहते तो ले लेते, पर संत ने कहा बेटी प्राणों का मूल तो प्राण होते, ये मेरे प्राण हैं, मैं अपने प्राण तुम्हें दे रहा हूं, बस इन्हें प्राणों के समान रखना। तो जो गुरु ने नाम दिया है ना, उसका प्राण है, प्राणाधिक है, उसके प्राणों से भी अधिक है। इसीलिए मेरे कबीर साहब सिखाते हैं, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सो। इसीलिए पूर्व में भी मैंने आपको कहा, आज फिर कह रहा हूं भाई, गुरु की सेवा यही है, यही है, यही है। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत।
इसलिए गुरु साहेब कहते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर क्षण क्या है, जब भगवान मिले ना। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा आया, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, गोस्वामी जी कह रहे कि गुरु के चारों चरणों की नखचंद्रिका का ध्यान करने से ही मन का मालिन्य मन का अंधकार दूर होता है। भाई एक ही औषधि है ये, एक ही औषधि है।